ये यू यू ए ओ ए बस ये करती है, ठीक है ना। तो इसी में ही आप समझे, इसकी तरफ से मैं बोल देता हूँ ए माए सेहत ऐसी है। वो कहते हैं यार तू कितने डिग डुग गया थे, तेनू कौन इतने आके छेगा। मैं क्या गल तो ताड़ी भी ठीक है, मुझे वीडियो ना बनाने का चाहिए था एक बहाना, बकरा ईद मुबारक हो शबाना। मुझे लगी है नजर, पहले ही मैं प्यारा नहीं हूँ फिर भी नजर, अभी मैं प्यारा नहीं हूँ यार तो नजर लगी। व्हाट्सअप गाइज, दिस इज अज़ान मलिक एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ, सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ से, हर तरफ से, यूट्यूब की तरफ से, मेरे इंस्टाग्राम से, मेरे टिकटॉक से, हर तरफ से ईद मुबारक। और देखे आप ये देखे, मैं ईद इन लोगों के साथ मना रहा हूँ। लोग तो नहीं है, परिंदे हैं, लेकिन मुझे कल ही पता चला कि मुर्गे को जानवर कहते हैं। मुझे किसी ने बताया, उस बंदे से मैं आपका इंट्रोडक्शन कभी ना कभी करवाऊंगा। तो मेरी उससे बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई है। तो बात दरअसल ये है कि यार दो दिन हो गए थे मुझे बुखार था, पहले ही शक्ल मेरी तकरीबन आप समझ लो बात को, न जागा करो रात को, ऊपर से ये दाना निकल आया। बुखार की वजह से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, बस चांद रात वाले दिन ना बुखार हो गया। मेरा प्लान ये था कि बादशाही मस्जिद जाके ना मैंने व्लॉग बनाना है, तो उसी दिन ही अब कह लो कि किस्मत ने साथ नहीं दिया या अपनी भी कोई कोताहियाँ थी, बाहर से जाके ना फास्ट फूड खा लिया था, तो इसलिए ना थोड़ा सा काम खराब हो गया था। लेकिन अब बिल्कुल सेट टू, पैनाडोल की खोली कह रहा हूँ, गोली जिंदाबाद। पैनाडोल, एक पैनाडोल खाई है उससे ठीक नहीं हुआ, फिर दूसरी खाई है उससे भी नहीं ठीक हुआ, फिर डिस्परिन को पानी में मिक्स करके घोल के पिया, ये शराटा मारा सही वाला। तो समझ रहे हो बात को, बस यही बताना था, बुखार था इसलिए व्लॉग नहीं आया। और ये मैं छत पे इसलिए आया हूँ कि बाहर अभी मैं जा नहीं सकता, घर वाले कह रहे हैं तेरी तबीयत खराब है, ऊपर से माशाल्लाह मेरी सेहत ये देखे सेहत ऐसी है। वो कहते हैं यार तू कितने डिग डुग गया थे, तेनू कौन इतने आके छेगा। मैं क्या गल तो ताड़ी भी ठीक है। और मुझे लगता है मेरा ना ये रेगुलर वीडियो आने की वजह से मुझे लग गई है नज़र, पहले ही मैं प्यारा नहीं हूँ फिर भी नज़र, अभी मैं प्यारा नहीं हूँ यार तो नज़र लग गई है। बाकी ये मेरी एक छोटी सी, मेरी नूर फातिमा, ये पाली सी बच्ची खड़ी हुई है, ये देखें इसके साथ, इसको छत पे लेके आए हैं, इसने खेलना कूदना, इसने क्या नाम है, इन्होंने कपड़े पहन के मैले भी कर दिए हैं, कुचैले कर दिए हैं, सपैले कर दिए हैं, इनके कपड़े ईद वाले वाश भी हो गए, हमने अभी पहने नहीं है, अभी तक दाढ़ी दूड़ी नहीं बनवाई, खत खुत नहीं बनवाया। ये मेरी बीबी की तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक, बोलो बीबी, बोलो ईद मुबारक बोलो। ये यूं यूं ए ओ ए बस ये करती है, ठीक है ना। तो इसी में ही आप समझे, इसकी तरफ से मैं बोल देता हूँ ए माए, ठीक है, बोल दिया। बात यह है कि अब मैं थोड़ा सा त्यार श्यार हो के आता हूँ, मैं कुर्ता पजामा पहन लेता हूँ और बाहर बुर नहीं जाना, मैंने कुर्ता पजामा पहन के सबको ईद मुबारक। हाँ यार दिल से ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक बार बार कह रहा हूँ। ये दो दिन से मेरा व्लॉग नहीं आया, मुझे तो मैं तो जहनी मरीज बनता जा रहा था, तो भाई ने मुझे फिर एक दफ़ा मोटिवेट कर दिया, कहता बना शक्ल तो यही है, कहता तूने तो शक्ल चेंज करवानी नहीं, शक्ल यही रहनी है, तो इसी शक्ल के साथ ईद मुबारक। और अब मैं ख़त बनवा के आऊँगा उस शक्ल से भी एडवांस में ईद मुबारक। अभी जाके मैं पहले ख़त बनवाता हूँ, फिर नहाता हूँ, फिर जोड़ा शोड़ा चिट्टा चोला सीधे दर्जी वाला वो पहनता हूँ, तो फिर बात करते हैं। और ये बीवी भी अपने बाल ठीक करी जा रही है। हम आ गया इधर बार्बर शॉप पे आ गया, ये हमारे भाई माशाल्लाह, ये ईद मुबारक नाम नहीं पहले दो। वैसे ना एक बात बता दूं, हमने पहले ईद मिल ली है, मैं कहा यार उधर दरवाजे से एंट्री लेता हूँ ताकि शॉप को थोड़ा दिखाए। ये भाई की शॉप है अदनान भाई, अपने ये हमारा खत करेंगे, और इसका आपको बता चुका हूँ कि ये दाना निकला है यार बुखार की वजह से, ना खत खुत कराया ना कुछ। अब ये विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम काम शुरू करवाते हैं, खत करवाना है। VIP बंदा है, शहजादा बंदा है, और फिनिशिंग मैं कहता हूँ पूरे गुलबर्ग में, पूरे लाहौर में आपको इस बंदे से अच्छी कोई नहीं करके देगा। दाढ़ी आपने बनवानी है ना तो अदनान भाई से आके बनवाएं। जो जो मुझे इधर अपने गुलबर्ग एरिया से देख रहे हैं वो तो इसे जानते होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत फेमस है, टिकटॉक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, भाई बहुत फेमस है पहले से ही। तो हम भी इसे अब थोड़ा सा प्रमोट कर रहे हैं ताकि भाई की पब्लिक बढ़े, भाई की फैन फॉलोइंग बढ़े, भाई के क्राइम भी बढ़े, ठीक है। तो अब जल्दी से ये इस कुर्सी पे हम बैठते हैं, विराजमान होते हैं इस कुर्सी पे, कैमरा इधर सेट कर देते हैं इस कुकर पे,
और बस काम शुरू करवा, फिर अभी जाके नहाना है, नहाने के बाद कुर्ता पहनना है और फिर आपको एक और चीज बताऊंगा। कैमरे से हट जो, ये भाई मेरा कैमरे का व्यू रोक रहा है, ये भाई भी बहुत अच्छे कारीगर है, ये भाई के शागिर्द है। दोस्तों जब तक ये भाई खत कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और प्यारा सा कमेंट करते हैं। ये अभी मैं सीधा पतरा होके दिखाता हूँ आपको भाई की फिनिशिंग। ये देखिए गाइस, अब थोड़ा सा फर्क आ गया है। अभी कैचर लगाते हैं, ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि बाल बढ़ा रहा हूँ, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है इसलिए मैं बाल बढ़ा रहा हूँ। तो ये देखिए, थोड़ी सी टांगे बेंड करके इधर खड़े होते हैं, बिल्कुल ओके हो गया। अब जल्दी घर चलते हैं, वहाँ पे लेते हैं शाम। वेलकम बैक गाइस, ये देखिए मैं नहा लिया, कपड़े शपड़े पहन लिए हैं, सब ओके शोके हो गया। अब हमारी ईद ऐसी गुजर रही है कि अब मैंने इस सिस्टम पे बैठ जाना है, मैंने काम करना है जो मैं अपना ऑनलाइन काम करता हूँ। तो बस बेसिकली मकसद ये था इस वीडियो का कि सबको ईद विश करनी थी अपनी यूट्यूब की फैमिली को, जितने भी मेरे ये व्यूअर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट भी करते हो और इस तरह के अब क्या नाम है वीडियोस आती रहेंगी रेगुलर, यानी कि डेली व्लॉगिंग का मतलब यही था कि यार मैंने रोज़ाना एक वीडियो बनानी है। ये दो दिन का गैप इसलिए आ गया क्योंकि मुझे बुखार आ गया था यार, चांद रात से ही बुखार आ गया था मुझे, इसलिए तो ये खदशत बनवा लिया है, कपड़े शपड़े पहन लिए हैं, सब ओके की रिपोर्ट है। अब शपक दिन ठूठ ठाक करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे तो यार दोस्तों के साथ शेयर भी किया जाए। ईद विश करनी थी, बकरा ईद से मुझे याद आया कि मुझे वीडियो ना बनाने का चाहिए था एक बहाना, मुझे वीडियो ना बनाने का चाहिए था एक बहाना, बकरा ईद मुबारक हो शबाना। बस ये राइमिंग हो रही थी तो मैंने कहा बस। तो सबको ईद मुबारक, दिल से ईद मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो, और जिन लोगों ने कुर्बानियाँ की है अल्लाह पाक उनकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए और इंशाल्लाह अगले साल हम भी कुर्बानी करेंगे। और गुड न्यूज आपको ये देती थी कि यार मेरी क्या नाम है यूट्यूब की पेमेंट आना स्टार्ट हो गई है, उस पर मैंने एक प्रॉपर डिटेल में वीडियो बना दी है। ये भी आपको इसी वीडियो में मैंने गुड न्यूज देनी थी कि यार क्या नाम है मैं वीडियो बना रहा हूँ, पेमेंट निकलवाने जाऊंगा, जिस तरह पेमेंट निकलवाऊंगा, कितनी पेमेंट है, क्या हिसाब किताब है, यानी कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, सारा कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड। मुझे ये भी पता है कि यार ये ब्लॉग बिल्कुल खसी टाइप है, कोई शुगर मेला नहीं है, ठीक है। तो ब्लॉग बस अपलोड करना था, दो दिन हो गए थे, मेरा दिमाग खराब हो गया था कि यार मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, मेरा यूट्यूब देखना ही दिल नहीं था कर रहा, यानी कि कुछ करना दिए। जो अभी मैंने आपको छोटी सी काकी दिखाई थी अपनी, ये आपको दिखाता हूँ, इसने भी सूट बूट चेंज कर लिए हैं, ये देखे जरा, ये देखे, ये मेरी जान, मेरे घर में मेरी जान बस यही है, और कोई भी नहीं है, किसी से वास्ता ताल्लुक ही नहीं है। अब क्या नाम है, बस क्या कहूँ मैं आपको, समझ रहे हो ना बाल को, ये देखे वाल भी, वाल कह रहा हूँ, बाल भी VIP हो गया है, लोशे वाल हो गया है। और ये किसी शैम्पू वैम्पू का कमाल नहीं है, वो लाइफ बॉय मिलता है ना ग्रीन वाला, वो ही यूज करते हैं हम हमें। और हाँ ये कहना मैं, ये जो बाल उतरते हैं ना इस पे भी मैं काम कर रहा हूँ, इस पे भी मेरी एक वीडियो आएगी। ये देखे मेरे बाल आना शुरू हो गए, सेटे ऐसे खाली हो गई थी जैसे करोला गाड़ी के दोनों साइड मिरर नहीं टूटे होते, वैसे ही है, गंजापन आ रहा था। तो वीडियो को लाइक करना, अच्छा सा कमेंट कर देना प्यारा सा, ये मेरी काकी के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।